डीएनपी इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में कोरोना मरीजों के लिए निर्धारित एक अस्पताल में आग लगने की एक घटना सामने आई है, जिसमें अब तक 8 मरीजों की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। अहमदाबाद के अतिरिक्त मुख्य अग्निमिशन अधिकारी राजेश भट्ट ने बताया कि शहर के नवरंगपुरा इलाके में स्थित श्री अस्पताल में तड़के सुबह 3 बजे आग लग गई। अधिकारी ने बताया कि अस्पताल के कर्मचारी पीपीई किट पहनकर काम कर रहे थे, जब शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, मगर अफरा तफरी की वजह से 8 मरीजों की मौत हो गई। राजेश भट्ट ने बताया कि आग लगने के बाद अस्पताल के 40 मरीजों को एसपीबी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है और सभी मरीज कोरोना पॉजिटिव थे। इस घटना पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री और स्थानीय मेयर से बात की है। मोदी ने कहा कि अहमदाबाद के हॉस्पिटल में आग लगने की घटना बेहद दुखद है। परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। हादसे में घायल हुए लोग जल्द से जल्द ठीक हो, मैंने स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और मेयर से बातचीत की है। इसके साथ ही आग लगने से जान गंवाने वालों के परिजनों को एमपीएन और एस की ओर से 2 लाख रुपए और घायल हुए लोगों में से प्रत्येक को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। इस घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद की कोविड-19 अस्पताल में ही दुखद घटना के कारण जानमाल के नुकसान से गहरा दुख हुआ है। दुख की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं।